अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंबल सराइसिस खारिश की जो बीमारी है ये भी बहुत ज़्यादा किसी ना किसी को लग जाती है और आम भी हो जाती है, तो हमें तो डर भी लगता है कि पहले नहीं तो क्या इसकी अलामत है, आइए भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? ठीक है, दुआएं आपकी। सर, आज का जो टॉपिक है बड़ा डिफरेंट है और बड़ा अलग सा है, इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं, ये जो चंबल सराइसिस ये बीमारी है इसका अलामत क्या है वैसे इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंबल या सोराइसिस की बीमारी एक आटो अम्यून डिसऑर्डर है, यानी ये बीमारी पैदाइश के वक्त ही जिस्म में मौजूद होती है, मगर ये एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी नहीं है और ना ही ये जानलेवा बीमारी है। अमूमन हर 30 से 40 दिन में जो है वो जिस्म की जिल्द जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन सोराइसिस में ये चेंज सिर्फ एक हफ्ते में हो जाती है और बड़े बड़े जो है वो रफ पेचेस जो है वो जिस्म में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। चंबल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ जाती है, बहुत सारे लोगों को बालों में बढ़ जाती है और बड़े मसले मसाइल आते हैं। आज एक ऐसी रेमेडीज बताऊंगा अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी चंबल सोराइसिस खारिश हमेशा के लिए खत्म होगी। सर मेरा ये सवाल है, सोराइसिस कितनी तरह की बीमारी है ये? जी बहुत अच्छा पूछा। सोराइसिस काफ़ी तरह की होती है, जैसा कि प्लाक सोराइसिस है, इसमें पेट में, घुटनों में, कूनियों में और हिप्स वगैरह पर बड़े बड़े जो है वो पेचेस बन जाते हैं। एक होती है गटर सोराइसिस, ये अक्सर उन लोगों में होती है जिनका अक्सर गला ख़राब रहता है, उनमें ये छोटे छोटे जो है वो पेचेस बनना शुरू हो जाते हैं। एक होती है पामू प्लांटेड जो है सोराइसिस होती है, जिसमें हाथ और पाँव में जो है छाले बन जाते हैं। स्कालिप सोराइसिस में जो है वो पेचेस बन जाते हैं। स्कालिप सोराइसिस भी एक ऐसी सोराइसिस होती है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अक्सर अमूमन देखा होगा एक नेल सोराइसिस होती है, नाखूनों के जो है वो नीचे होती है, जिनमें नाखूनों के नीचे जो है जल्द खराब हो जाती है। जिन लोगों को सोराइसिस की बीमारी हो उनमें 10 से 30% जो है वो अर्थराइटिस के जो है वो बढ़ने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा सर, इससे ये मुझे एक और आपसे सवाल आ गया, इससे बचने के लिए क्या हमें करना चाहिए, कोई रेमेडी या कोई चीज़ बता दें? जी, चूंकि ये लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी नहीं है, इस उम्र का कोई खास तयन नहीं होता है, इससे मुख्तलिफ इक़दाम अपनाकर अपने आप को सेफ रखा जा सकता है, जैसा कि अपनी पाँव को या जिस्म को ड्राई होने से बचाएं, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो है वो बॉडी इस्तेमाल करते रहें, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत सारी बच्चियां बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं और अच्छा फारग बैठे होते हैं तो उसको खारिश कर करके उसमें जरा प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये स्ट्रेस लेने से भी ये स्ट्रेस भी आ रही है? जी एग्जैक्टली, ये स्ट्रेस लेने से भी बड़ा जो प्रॉब्लम्स आ जाती है। स्ट्रेस लेने से आपको पता है बहुत ज्यादा लोगों के बालों का मसला आ जाता है। स्ट्रेस से अगर आपके बालों के अंदर हो गया तो आप खारिश कर करके बहुत सारे लोगों के जो है वो बाल गिर जाते हैं, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी होती इसमें। बॉडी के चोट लगने से भी महफूज रखें अपने आप से, वरना इससे भी बढ़ सकती है। ग्लोटा या मैदे वाली चीजें अमूमन ज्यादा हमारे होटलों पर ग्लोटा या मैदे वाली गजाएं जो है वो इस्तेमाल करने से ग्रेज करें, क्योंकि इससे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है हो जाता है, जिससे जो है वो सोराइसिस बढ़ता है आगे। इसके लिए आपके पास कोई इलाज है जिससे हम सब महफूज रहे आपकी रेमेडी से, आपके प्रोडक्ट से, जरा बता दें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर्बल में हमारे पास 2 से 3 माह का इलाज है और हर्बल में बेहतरीन इलाज मौजूद है। 3 माह में मुकम्मल तौर पर सोराइसिस का मसला चाहे वो जितना भी हो ठीक हो जाता है। जो लोग इस बीमारी से दूचार है वो अपना फौरी इलाज करवाएं। आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बनी बनाई मेडिसन आपके एड्रेस पर भिजवाएंगे। वो लोग जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते वो ये नुस्खा इस्तेमाल करके चंबल हो या किसी किस्म की जो एलर्जी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने सिंपली लेना क्या है, जंजबील आप लोगों ने ले लेना है। जंजबील आप लोगों ने 100 ग्राम ले लें, नरकचोर 100 ग्राम ले लेना है, चास्कू 100 ग्राम ले लेना है, वरना आप हम वजन भी ले सकते हैं, 25-25 ग्राम भी ले सकते हैं, 50 ग्राम भी ले सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही तो 100-100 ग्राम ले लें। हम वजन सफूब बनाएं, आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद, और इसके साथ आप लोगों ने काफूर 10 ग्राम ले लेना है, कद्दू का तेल आप लोगों ने 150 ग्राम ले लेना है, मिक्स करके चंबल वाले हिस्से पर लाजमी इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी किस्म की भी आपके अंदर सोराइसिस का मसला हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे शिकायत कर रहे हैं उनको पेशाब वाली जगह पे खारिश में सोराइसिस बढ़ जाती है, बालों में सोराइसिस हो जाता है उनको, उसके अलावा उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसको अल्लाह पाक के फजलो करम से इस्तेमाल करें। वरना अगर आप अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, सिंपली मेरे हर वीडियो में एड्रेस बताया जाता है, यूनिवर्सिटी रोड पर उर्दू साइंस कॉलेज के सामने हमारा दवाखाना है। मेरा अपना भी चैनल है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है, आप टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डेली बेसिस पे वीडियो लगाई जाती हैं। और कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ,
पोशीदा अमराज हैं या कोई भी वजूहत हैं जो, वो हमसे बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर करें, हम आपको उसके हवाले से इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई करेंगे। तो बाकी बहुत शुक्रिया हर्बलिस्ट अली आजम भाई, जी जी। बड़ी प्यारी आपने जो है वो रहनुमाई की है, बेहतरीन, हर बारी की तरह करते हो सर। तो ये मैंने ये टॉपिक इसलिए ज्यादा देखा है, आपने तो मैसेज करे, मेरा बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो मुझे कहते हैं कि चमड़ा हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, वहां हमारे पास इतना मरीज बैठा हुआ है, इतना पेशेंट बैठा हुआ है, इस क्राइसिस का कोई मेडिकल में प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन दिया जाता है जो वक्ती तौर पे आपको कवर करता है, लेकिन अल्लाह पाक के फजलो करम से ये जो मैंने जंजबील, नरकचो और चास्कू वाला बताया, आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी क्राइसिस किसी किस्म की भी होगी, अल्लाह पाक के फजलो करम से खत्म होगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। तो गाइस ये थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, हमें अब दीजिए इजाजत, सर बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।